रामपुर कस्बा दड़ियाल के क्षेत्र में लेबर मजदूर के ठेकेदार से दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने 1 लाख रुपए लूट लिए, लेकिन पुलिस ने मामले को आपसी मारपीट बताते हुए NCR दर्ज कर ली। टांडा कोतवाल का कहना है मामला मारपीट का है, लूट की घटना नहीं हुई है। ग्राम धम्बर निवासी यामीन के अनुसार वे माजा फार्म स्थित बरार स्टोन क्रेशर पर लेबर ठेकेदार के शनिवार की देर शाम करीब 8 बजे अपने गांव के साथी अफरीक हुसैन के साथ क्रेशर से मजदूरों का हिसाब कर 1,730 रुपये की रकम लेकर घर लौट रहा था। रास्ते में काशीपुर मार्ग पर खबरिया फार्म दो बाइक सवार चार बदमाशों ने ओवरटेक कर घेर लिया, मारपीट शुरू कर दी और उसकी कनपटी पर तमंचा रख कर मजदूरों की रकम छीन कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने दड़ियाल पुलिस चौकी पहुंचा, जहां पर टांडा कोतवाली जाने की सलाह दे दी गई। पीड़ित ने चार नामजद लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट की तहरीर दी। पुलिस द्वारा मामले में लूट का मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ मारपीट की धारा 323 और 504 में NCR दर्ज की गई है। कोतवाल माधो सिंह बिष्ट का कहना है कि मारपीट की तहरीर मिली थी और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यामीन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम धम्मन का रहने वाला हूँ मैं, ग्राम धम्मन का रहने वाला हूँ, चौकी दड़ियाल थाना टांडा। आपके साथ में जो घटना घटी है क्या था सारा मामला? मामला ये था सर, मैं लेबर का काम कराता हूँ, लेबर चलती है मेरे पास 10 से लेके 15 तक आदमी चलते हैं, उनकी मजदूरी होती है 520 की 510 की। अब उसमें मुझे पैसे मिले बरार स्टोन क्रेशर से 1,730 रुपये। मैं उसे लेके चला कि एक मुराद था, एक फहीम था चौखंडी का, एक लाली था चौखंडी का, और जो वो है मुराद वो है होगा घोसीपुरी का, उसके साथ एक लौंडा और है तगड़ा तगड़ा, उसे कहते हैं बम्बू। ये चारों हो खड़े थे, इन्होंने मुझे पैसा लाते हुए देख लिया। स्टोन क्रेशर पे खड़े थे? हाँ, बरार स्टोन क्रेशर भी थे, इन्होंने मुझे पैसा लाते हुए देख लिया। इन्होंने आगे आके मेरी जो गांव पड़ता है जमालगंज से आगे पड़ता है एक क्या बोले जो बंसा पड़ता है एक बंसा, वहाँ इन्होंने मुझे आके घेर लिया, मुझे वो लातों से और घूसों से पीटा। कितने लोग थे वो? ये चार लोग थे सर। काय से थे? दो बाइकें थी, दोनों बाइकें मेरी बाइक के आगे आगे लगा दी इन्होंने। आप कितने लोग थे? हम दो थे, एक मेरे साथ थे, मेरे साथ रहते हैं, उनका नाम है अफरीक, वो मेरे साथ काम करते हैं, उन्हें भी मारा मुझे भी मारा। ये बोले हमें पैसे दो जो तुम लेकर आओ, हमने कहा भाई गरीब आदमियों के पैसे हम उनके पैसे देंगे, हमसे मत छीनो। हमने इनके आगे हाथ जोड़े, रोए डिडिया, ये नहीं माने। इन्होंने हमें बहुत मारा सर, बहुत मारा हमें, और हमारे पैसे छीन के ले गए, हमें पैसे नहीं दिए तो इन्होंने तमंचा रख दिया। हमने इनके पैर पकड़े, हाथ जोड़े, हमने इनकी बहुत कोशिश करी छूटने की, मगर इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारे पैसे छीन लिए। हमने बड़ी मुश्किल से भाज के जान बचाई, पैसे ले गए भाज के हमारे वहां से। कितने आपके पैसे थे? 1,730 रुपये थे। तो इसके वो लेके आ गए, इसकी आपने तहरीर दी? हमने दड़ियाल चौकी में तहरीर दी इसकी रात ही जाके दरोगा जी को, और फिर हम टांडे गए कोतवाल साहब के पास, उनके आगे भी हमने सब सारा मामला बताया उन्हें, मगर अभी तक वो खुले ऐसे ही घूम रहे, कोई भी कार्रवाई उन पर नहीं हुई है, कोई कार्रवाई पुलिस नहीं हुई है, पुलिस उनके घर अभी तक नहीं गई है। वो जो मुराद है उसका बाप कोई नेता, उसका चचा नेता है भाई, वो उसके ऊपर बहुत कुछ है, मेरा चचा तो नेता है, मैं तो ऐसे लूटता हूँ ऐसे मारता हूँ, कोई मुझसे कुछ नहीं कहेगा। तो कल से अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई भी आपका साथ नहीं दिया? कुछ साथ नहीं दिया साहब, गरीब आदमी कोई साथ नहीं होता, इससे कोई पैसे वाला होता तो उसका साथ देते, हम गरीब आदमी हमारा कोई साथ नहीं देगा, हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। प्रशासन अभी तक अपने अपने जगह पे कहीं नहीं गया, उन पर कोई दबाव नहीं डाला है। जो आपने 1,730 रुपये जो लिए थे वो आपने कहाँ से लिए? वो बरार स्टोन क्रेशर है माजा फार्म पे, और वो हम गवाह भी हैं, खुद उनका जो जिन्होंने पैसे दिए थे वो गवाह है, मालिक ने दिए थे, जब उनका नाम है बब्बर, उन्होंने मुझे पैसे दिए। मैंने उन्हें भी फोन करा रात, तो बोले भाई कब हुआ? मन की अभी हुआ है 8 बजे करीब हुआ ये मामला, रात 8 बजे।
तो ये जो आपकी हालत हुई है, ये जो आपके कपड़े, ये मुझे पकड़ के मारा उन्होंने, बहुत बहुत मारा मुझे, बहुत सर, ये मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, मुझे बहुत मारा सर, बहुत लातों से, घूसों से, डंडों से। फिर जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे यहाँ तमंचे रख गए, तेरे गोली मार देंगे, या तो पैसे दे। एक बंदा कह रहा था उनमें, उसका नाम मुराद है, वो कह रहा सिर्फ गोली मार दो, इसके गोली मार दो, ये बता देगा। बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ पैर जोड़ के पैसे दे के अपनी जान बचाई सर। अब तक के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए देखते रहिए News 22 इंडिया, खबर भी असर भी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।